इस्लाम के पवित्र माह मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी रोजे आसुरा के मौके पर शिया समुदाय के लोग ताजिया निकालकर इमाम हुसैन की कुर्बानी का गम मनाते हैं। इमाम हुसैन इस्लाम के आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे। इस्लाम के पवित्र माह मुहर्रम की 10वीं तारीख के दिन को रोज ए आसुरा भी कहा जाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ही पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन क्रूर शासक यजीद से करबला की जंग में शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए इस दिन मुस्लिम शिया समुदाय के लोग सड़कों पर मातम जुलूस और ताजिया निकालते हैं। इसी क्रम में विकासखंड नवाबगंज के तिकोना पार्क पर सुनहरी अखाड़ा अयोध्या फैजाबाद की कलाकारों द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाई गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कलाकारों द्वारा दिखाए गए हैरत अंगेज करतब का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। कार्यक्रम का आयोजन अल हुसैनी मुहर्रम एकता कमेटी के द्वारा किया गया। कमेटी के मुजीब एडवोकेट साहबान अली हनफी, उस्मान राइन, हामिद अली मोईद खान का विशेष योगदान रहा। कमेटी द्वारा अच्छी ताजिया दारों का उत्साह वर्धन करने हेतु पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार गोदरेज अलमारी सब्बीर को, द्वितीय पुरस्कार कूलर जहीर को व तृतीय पुरस्कार पंखा वारिस अली को दिया गया तथा 1157 पुरस्कार अन ताजिया दारों को भी दिया गया। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस बल भी मुस्तैद दिखा। मुहर्रम का त्यौहार हमारे मुस्लिम भाई के द्वारा मनाया जाता है। आज आप इस नवाब बल का क्षेत्र में पूरा पार्क हमें याद नहीं, हमारी याद आज के पहले से बचपन से हम लोग यहाँ आड़े दंगल के कार्यक्रम होते हैं और इस समय अल हुसैनी मुहर्रम एकता कमेटी जो हमारे नवाब की है इसमें साहब अली हनफी जी, मंजीव भाई एडवोकेट, प्रिंस भाई और हमारे सैयद हाफिज अली जी का बहुत ही विशेष सहयोग रहता है इस कार्यक्रम में और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित कराते हैं। हर साल नए नए प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और एक से एक जाबाज कार्यक्रम यहाँ पर कलाकार आकर के हैरत अंगेज कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण करते हैं और इस कार्यक्रम की जो सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा यहाँ पर लगता है कि जितने मुस्लिम भाई होंगे यहाँ पर उतनी संख्या में हिंदू भाई भी हैं और उसका कारण यह है कि जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जो अखाड़े वाले आते हैं अपना देशभक्ति का पोषण करके उसमें स्मरण करके मतलब भारत माता के प्रति अपने समर्पण को इस कार्यक्रम को मनाते तो हैं इस्लाम धर्म मुस्लिम धर्म के भाई, लेकिन जो यहाँ पर कार्यक्रम में जो अखाड़े दंगल कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण है वो पूर्ण रूप से भारतीयता और देशभक्ति के मिलावट को लेकर के हिंदू मुस्लिम एकता के मिलावट को लेकर के हिंदू और मुस्लिम सभी भाई एक साथ होकर के बनाते हैं और बहुत उत्साह से मुहर्रम के मौके पर पूरी दिन क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं मुहर्रम के मौके पर नवाबगंज जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है वहाँ से यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे नवाबगंज को देखिए जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम भाई इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम में भी जिस तरीके से राष्ट्र के प्रति भावना देशभक्ति की भावना प्रस्तुत कर रहे हैं इसी तरीके से हर जगह पूरे भारत में पूरे विश्व में हर जाति धर्म समाज के लोग इकट्ठा होकर के हर त्यौहार को खुशियों से मनाएं और अपने राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और भाव को सदैव रखना बहुत बहुत ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे अभी हम लोग के बड़े भाई माननीय चेयरमैन सत्यन्द्र जी ने बताया है आप लोगों कि ये हमारा नवाबगंज एकता का उदाहरण है, लोगों चाहिए और बहुत अच्छी बात बताई पूरे पूरे देश में समझ जाना चाहिए कि हमारा बगल में अयोध्या है क्योंकि हमारे जवाब लेंगे आज तक भी अलग अलग जो तमाम घटनाएं हुई हैं लेकिन हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोगों ने मिल करके और जो है एक लोग का सहयोग करके हर लोग का एक दूसरे का त्यौहार में जो है मिल करके त्यौहार मनाने का काम किया है और ये संदेश पूरे भारत में पूरे विश्व में जाना चाहिए और हमारे हमारा नवाबगंज एक एकता का मिसाल है और हम यही अपील करेंगे सभी भाइयों से
जितने भाई हमारे आए हुए हैं कि आज के दिन हम लोग एक प्रतिज्ञा स्मरण लेकर के जाएं कि हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के शादी ब्याह में सब लोग मिलजुल के और सब लोगों का सहयोग करते हुए इसी तरह हर्षोल्लास से सभी लोग अपना अपना त्यौहार मनाएंगे और सभी लोग अपने एक दूसरे के त्यौहार में सहयोग करेंगे। आप लोगों का भी पटकार बंधुओं का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, खासकर हमारे कोतवाल साहब और क्राइम इंस्पेक्टर साहब, हम लोग के प्रशासन के लिए बहुत ही अच्छी मिसाल बनकर पूरा शांति बना करके हम शांति व्यवस्था बनी रही है और कोई भी वाद विवाद भी नहीं होने पाया है। वो बहुत अच्छा सहयोग रहा है शासन का। कस्बा गंगा समने के तहसीब के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन ये हमारा और हमारे मुस्लिम भाइयों का, जैसा सभी इसके जात धर्म के लोग शामिल हैं, हमारा एक सौहार्द है कि ये काफी अरसे से चला रहा है और हमारा जो ये गंगा जमुनी की जो तहसील है ये काफी अरसे से चली आ रही है। पुलिस प्रशासन देखिए मुस्तैद है और बड़ी खुशी होगी आज रात देर रात हमारे तेज तर्रार कप्तान साहब अंकित मित्तल जी इनका पेट फूकेंगे, इनको शाबाशी देंगे कि आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम निपटाया। लेकिन हम इनको एक बात बोलेंगे, ये खुशी तो अपनी बढ़ जाएगी जब ये कल थाने से निकलेंगे अपनी फौज को लेकर के, और ये अमीर हो गरीब हो किसी जात का हो ठेले वाला हो सब्जी वाला हो सबको धन्यवाद देते हुए बधाई देते हुए कि भाई बड़ी प्रसन्नता होती है नवाबगंज में इस गंगा समने की तहसील को देखे हुए, जिसकी खुशबू ये जो संदेश है इसकी खुशबू हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये खुशबू जाएगी, वो भी प्रसन्न होंगे। तो हमारा निवेदन है कि जब भी ये थाने से निकले और ये सभी अमीर गरीब बड़ा छोटा सब्जी वाला हो ठेले वाला हो सभी को एक धन्यवाद देते हुए बधाई देते हुए निकले, बाजार बहुत बड़ा है इसलिए हमारी खुशी दो गुना बढ़ जाएगी, ये हमारा कहना है।